राम राम। दादी के घर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बाजरा खिचड़ी बना के दिखाऊंगी। सर्दियाँ में बाजरा खिचड़ी बहुत बनावा सा और रोटी बाजरा की और खटाई सब्जी के साथ। बाजरा की खिचड़ी ने घी साथ और खांड के साथ खाया करा। गाँव का मैं तो घी और खांड साथ ही खाया करें। इसे दूध भी ले ली और दही भी ले सको सो और लस्सी भी ले सको सो। एक कटोरी बाजरा की ले के न रूं का मैं माम दस्ता में गाल के न थोड़ो सो हल्को सो पानी घेरो और फिर उनको ऊपर को कचरो लिगड़े आवे से बाजरा को थोड़ो सो कूटने के बाद। मिक्सी तो पीसना से जो बाजरो और कचरो सारो मिक्स हो जाए से तो ना अलग अलग करा सा मिक्सी में बढ़िया ना बने खिचड़ी। और माम दस्ता में कूटना तो कचरो लिकड़ा हुआ सा लगता है। कूटना तो को छोलर उतरी आए भी छोलर छाज में गाल के न और दो चार बरनियों हला के न जद छोलर निकल है गाँव का। छोलर उतार दियो और इमाम दस्ता मैंने डाल के न फिर खिचड़ी कूटांगा की। ये खिचड़ी कूट के तैयार हो गई से। इसने ये बेक ऊपड़ो फोड़ के न और आँच जला दिया के तड़ा ऊपड़ा के आँच में धीरे धीरे खिचड़ी बनाए से तेज आँच में बना कुनिया। बाद जला के धर दियो फिर पानी अच्छी तरह गर्म हो जाए उनके बाद बाजरो घेरांगा। ये वहाँ का मैं पानी उबल को खिचड़ी को मैं पहले तो एक कटोरी वह खिचड़ी कूटी थी वह घेरी फिर उनके बाद चावल आधी कटोरी और आधी कटोरी चना की दाल। इवें में नमक डाल के न फिर टक न रोड़ के न और फिर ढक लगा के धर दी पकन खातर। एक घंटे बाद ये खिचड़ी बन के तैयार होगी।
हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करियो, कमेंट करके बताओ कौन सी वीडियो देखनी है आपको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलियो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।